and welcome to today's video. Also, welcome to A Day in My Life, Hyderabad edition. I'm in Hyderabad for a case of mine. I'm heading towards Central Crime Station for a work. Let's go. मेरी सिस्टर इन लॉ भी नई नई शिफ्ट हुई हैं हैदराबाद में और उनके घर से सेंट्रल क्राइम स्टेशन 24 किलोमीटर्स दूर है। हैदराबाद में कैब्स आर वेरी एक्सपेंसिव गाइस। फाइनली हम पहुंच चुके हैं सेंट्रल क्राइम स्टेशन। काफ़ी देर वेट करने के बाद इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आए और फाइनली 2 घंटे के बाद मेरा काम हो गया। अपने दूसरे केस के लिए कुछ प्रिंट आउट कराना था, वो करा के फिर हम निकल गए अमेज़ॉन जाने के लिए। मेरी गुड़िया दी अमेज़ॉन में वर्क करती हैं। हैदराबाद इज़ अ नाइस प्लेस, हमें काफ़ी पसंद आया। यहाँ का वेदर भी हमें काफ़ी अच्छा लगा। अब हम फाइनली पहुँच चुके हैं इंडिया के बिगेस्ट अमेज़ॉन ऑफिस में। सो आई हैव रीच्ड अमेज़ॉन। माय सिस्टर इन लॉ वर्क्स हियर, तो उन्हें अभी आना पड़ेगा हमें एंट्री दिलाने के लिए। जब तक गुड़िया दी आती तब तक सिक्योरिटी ऑफिशियल ने बोला कि मैडम आप अंदर ही बैठ जाइए। दिस इज़ मी सिटिंग इन साइड सिक्योरिटी ऑफिसर वाले रूम में। फाइनली दी आई, हमें एंट्री मिल गई। ये ऑफिस इतना सुंदर है कि क्या ही कहना। ऑफिस में घुसते ही हम गए पेट पूजा करने कैफेटेरिया में। कैफेटेरिया इतना बड़ा और सुंदर है कि हम क्या बताएं। दिस इज़ माई विजिटर्स पास बाय द वे। बहुत सुंदर है कैफेटेरिया एंड यहाँ का खाना भी काफ़ी अफोर्डेबल है और डिसेंट है। तो हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या खाना चाहिए, तो हम गए सबवे। वहाँ से सब लिया पनीर टिक्के वाला। इस सब में हमने सारी वेजीज और सारे सॉसेस डलवाए और एकदम स्पाइसी वाला बनवाया। और काफी यम था ये सब। सबके साथ साथ हमने फ्रूटेड अप से स्पेशल लस्सी ली जो काफ़ी डिसेंट थी। फिर दी चली गई अपने ऑफिस अपना काम करने और हम वहाँ पे काफ़ी देर तक सबसे गप्पे मार रहे थे, मतलब फ़ोन पे गप्पे मार रहे थे। फिर हमें भूख लग गई शाम के टाइम पे, तो हमने स्नैक्स खाया। ये पकौड़े खाए हमने, काफ़ी टेस्टी थे ये, काफ़ी क्रिस्पी से अच्छे से थे, दाल के पकौड़े थे ये। खाने के बाद हमने सोचा क्यों ना आपको कैफेटेरिया दिखाया जाए कि अमेज़ॉन का कैफेटेरिया कैसा है। तो ये आप देख लो कि कैसा है कैफेटेरिया, कितना बड़ा और कितना सुंदर है ये। घूमते घूमते हमें कोल्ड कॉफ़ी पीने का मन कर गया, तो हमने कर्मा कापी से कोल्ड कॉफ़ी ली विच वॉज़ फॉर 50 रुपीज़। यहाँ पे ना बड़े अच्छे अच्छे डेजर्ट्स थे बहुत अफोर्डेबल रेट में। आई फील जो घर की कोल्ड कॉफ़ी होती है ना, उसको कोई भी बीट नहीं कर सकता। कहीं भी उतनी अच्छी कोल्ड कॉफ़ी मिलती ही नहीं है हमें। कोल्ड कॉफ़ी पीने के बाद हम चले अमेज़ॉन के ऑफिस को थोड़ा और एक्सप्लोर करने। तो हम चले गए फर्स्ट फ्लोर पे। सेकंड फ्लोर पे है कैफेटेरिया और मेरा एक्सेस सेकंड फ्लोर तक ही था। फर्स्ट फ्लोर पे गए, वहाँ पे गेमिंग जोन है जहाँ पे लोग काफ़ी अलग अलग तरीके के गेम्स खेलते हैं। तो ये आप देख रहे हो, यहाँ वीडियो गेम्स भी खेल सकते हो, टेबल टेनिस, चेस, कैरम सब कुछ यहाँ पे खेल सकते हो। इवन यहाँ पे रीडिंग एरिया भी है जहाँ पे कुछ बुक्स भी आप पढ़ सकते हो। अमेज़ॉन ऑफिस में घूमने के बाद हम निकल गए। दी अभी नई नई शिफ्ट हुई हैं, तो उनके घर के लिए कुछ कुछ छोटे बड़े सामान लेना था, तो वहाँ से हम निकल गए। मार्ट जाना था हमें वहाँ। हैदराबाद में आपको रतनदीप स्टोर बहुत मिलेगा, तो दी के घर के पास वाला जो रतनदीप स्टोर था वहाँ पे हम गए, थोड़ी छोटी मोटी घर की चीज़ें खरीदी वहाँ से। रतनदीप से ख़रीदारी करने के बाद हम निकल चुके हैं। हमें इंडक्शन लेना है, तो हम गए प्रेस्टीज के शॉप में, वहाँ से हमने इंडक्शन लिया। और ये है दी इंडक्शन में स्वस्तिक बनाते हुए, क्योंकि पहली बार यहाँ पे इस घर में खाना बनने वाला है। हमने सबसे पहले सेवियाँ बनाई रात को, वो खाया, काफ़ी अच्छी बनी थी। इसी तरीके से आज के दिन का अंत हो गया।
वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। बाय, हैव एन ऑसम डे।